कहते हैं जब कोई अपना होता है तो उसे किसी का डर नहीं लगता, लेकिन अपने ही जब उसे ठुकरा देते हैं तो वहां दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है। वहीं ऐसा ही मामला बुरहानपुर जिले के आजाद नगर में देखने को मिला है, जहां चाचा अपनी दो बेटियों और एक बेटे के होते हुए भी अकेला महसूस कर रहा है। वहीं उसका अपना अब कोई नहीं है, उसे शासन प्रशासन से उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा। अब चांद खान कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर भव्य मित्तल कलेक्टर से गुहार लगाने को मजबूर है और न्याय के लिए और अपने इस बदहाली पर आंसू बहाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बता दें कि जब इसके संबंध में एसडीएम वीर सिंह चौहान से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार के केस एसडीएम कार्यालय में पंजीबद्ध होते हैं और उसकी संपूर्ण जांच कर बुजुर्गों को परिवार से भरण पोषण दिलाया जाता है और न मानने पर जिनके आश्रित बुजुर्ग होते हैं उनपर कार्यवाही कर उन्हें भेजा जाता है। नई शिकायत मिलने पर तुरंत ही जांच कर कार्यवाही भी की जाएगी। इसके तहत अगर ऐसा हो तो संबंधित के विरुद्ध प्रकरण दर्ज होगा। इसके माता पिता को भरण पोषण नहीं कराते, संबंधित एजेंट के यहाँ इसका प्रकरण लगेगा भरण पोषण का। अगर वो उसका मेंटेनेंस नहीं करता तो उसको भी जेल भेजेगा। समस्या ये है, हमारे बहू बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया, हमारे औरत विकलांग है, हमारे बहुत बड़ी वाली लड़की के पास, बड़े वाले दामाद के पास हम पढ़े हुए बुरहानपुर, यहाँ बुरहानपुर अजमेर रहते थे पहले, फिर अजमेर से बम्बई गए, बम्बई से यहाँ बुरहानपुर आए। कितने बच्चे हैं? दो लड़की एक लड़का। बहू ने निकाली हमें मेरे दामाद के पास हाजत नगर, ड्राइवर साहब रोडवे से रिटायर था मैं, मकान मैंने खरीदा करा उसने उसके नाम करा लिया था, तो 15 साल उसमें रहे मकान में, फिर वो बम्बई से आगे पालगढ़ से।